जैसे नीचे से तो ये पट्टा खींचता है, हाँ ठीक है, और उसके बाद जो ये होता है एम सील, ये ढक्कन बिल्कुल सील्ड कर देती है। तो भाई यहाँ पे डीजे का रेट पूछने के लिए रुके थे, लेकिन भाई मिल गए जैन छेड़े। भाई कैसे हो भाई? कैसी लगती है वीडियो? एकदम मस्त है। कौन सी देखते हो बताना, एक बार कौन सी वीडियो है? सीसा फोड़ने वाली, फेंकने वाली। क्रेज में देखो भाई, ये प्यार प्रेम भाई है। तो जी काफी अच्छा लग रहा है, कई बोले अपने पिछाण जो है वीडियो देखा, तो कैसी लगती है वीडियो? बहुत अच्छी वीडियो आपकी। थैंक यू। इंस्टाग्राम पे देखा नहीं, पता क्या बात है, एक बार तो दोनों लगा चुनो, मतलब कि वहाँ देखा तो क्या लगा, फिर बाद में कहा हाँ भाई देखा है, यूट्यूब पे भी देखा, सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा थैंक यू, आप भी कर लेना भैया को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू जी। तो जी एक बोला मिल गया जान पहचान का, कहाँ से बोले? करनाल जी, हरियाणा। वाह जी वाह, वीडियो देखते हो? हाँ जी सर, बहुत बड़े फैन आपके। थैंक यू जी, थैंक यू। आप हमारे हरियाणा से है? थैंक यू। जय हरियाणा। जय हरियाणा। राम राम जी। मैं आपका अपना मित बोस नरवाना। तो अभी हरिद्वार पहुंचने वाले हैं जी, और रास्ते में खाना खाने के लिए रुके थे, यहाँ पे गजब की कावड़ मिल गई, मतलब आकर्षक, भव्य, मनमोहक, सुंदर, और दिल खुश हो गया भाई। और भोले को सलाम है भाई, देखो लगभग कितना वजन है भोले जी? 165 किलो लगभग। तो 165 लीटर जल है भाई, यानी टोटल मिला के इस कावड़ का जो वजन है 165 किलो। तो कमाल की बात है, इतना वजन उठाना मतलब आम बात नहीं है, और बोला की शक्ति है जो इतना वजन हम उठा लेते हैं। तो एक बार दिखाते हैं आपको, जो है कि मटका कलश कावड़ के रूप में होती है ये, है मतलब कैनी टाइप के रूप में, और यहाँ पे तिरंगा झंडा है, यहाँ पे छोटा तिरंगा झंडा है इस साइड भी, और यहाँ पे भी तिरंगा झंडा है, और इस साइड लग रही है बोले की मूर्ति, भोलेनाथ जी। तो मतलब दो मूर्तियां साइड से देखते हैं तो दो दिखती है इसमें, और एक मूर्तियां पे लग रही है बजरंग बली महाराज की, और ऊपर है बजरंग बली महाराज का झंडा, और इस साइड तिरंगा झंडा, जय श्री राम लिख रखा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सजा रखा है भोले ने। तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ से कावड़ ले आए हैं, कहाँ जाएंगे, कितना टाइम है, क्या कुछ बातें, बिल्कुल डिटेल में। तो बम बम बोले, जय बोले की। कहाँ से बोले? सहारनपुर। शुभ नाम क्या अपना? अर्जुन पंडित। अच्छा कहाँ से उठाई आपने कावड़ है? हर की पौड़ी। हर की पौड़ी से? जी हरिद्वार, हर की पौड़ी। ठीक ठीक है। तो कब उठाई थी कावड़ है? ये हमने उठाई थी 1 तारीख की सुबह 7 बजे। तो कितने किलोमीटर का पड़ जाता है डिस्टेंस? है हमारा लगभग पड़ता है 72 किलोमीटर टोटल। किलोमीटर। तो कितनी दूरी के बाद रुक जाते हो आप? हम लगभग 2 किलोमीटर रुकते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद रेस्ट। ठीक ठीक, मतलब 2-2.5 किलोमीटर के बाद रुक जाते हैं। डेली समथिंग पूरे दिन में हम चलते हैं लगभग 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। ठीक ठीक। तो जैसे इतना वजन है तो कहाँ से दिमाग में आया कि भाई इतना वजन उठाए? बोले की 24 बार जाओ, और हमारी मन्नत भी कोई नहीं है, हमने कुछ नहीं मांग रखा है, हमने मांग रखा है बोले सिर्फ एक ही चीज, हिंदू राष्ट्र जी, वो चाहिए हमें। तो आप किससे इंस्पायर हुए हो? एक तो है किसी ने आपके जैसे आपके फैमिली में और भी कावड़ लाया? कोई नहीं, कोई नहीं लाया। आज मैं जाता हूँ। पहली कावड़ आपकी है? नहीं, आठवां साल हो गया, पर हर साल वैसे आता था, दो कैनी लेके छोटी सी कावड़ जी। तो की बार फिर किसी ने मोटिवेट करे आपको, या आपके दिमाग में आइडिया? दिमाग में खुद भोले ने डाला कि उन्होंने इस बार तुझे ऐसे ही जाना है। अच्छा अच्छा, बस सोचा तो हो गया अपना काम। किसी का सपोर्ट भी लेते हो इसमें या अकेले ही वो करते? नहीं, हम 3 जने हैं, 2 भोले मेरे साथ हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक ही है जी जी, और एक बोल अंदर सो रहा है। ठीक ठीक। तो मतलब साथ में सपोर्ट लेना पड़ता है जैसे? जी जी बिल्कुल। तो भाई कमाल की बात, 165 लीटर जल बहुत हो जाता है भाई, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो बोले जैसे और जो भगत हैं, जो और कावड़िए हैं अपने, तो उनको कैसे मोटिवेशन देना चाहोगे? क्योंकि बीच में देखो आप भी हिम्मत हार जाते हो कई बार, लेकिन बोले ना तो हौसला दे देते हैं, लेकिन उनको फिर भी आप किस तरह मोटिवेट करना चाहोगे? बस एक ही बात कहना चाहेंगे, भोले का नाम लेते रहो और बढ़ते रहो बस जी। भोला कभी कहीं साथ नहीं छोड़ने का। कभी ऐसा भी होता है कि भाई अभी कावड़ बीच में छोड़ दें, अभी मन उब गया, यहाँ से नहीं जा पाएंगे आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, चलेंगे हम, छाती ठोक के चलेंगे। तो अब की बार जैसे आप कई सालों से कावड़ के लिए आ रहे हो जैसे, तो अब की बार कैसा, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? माहौल बिल्कुल ओके है जी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन कितना सपोर्ट है? प्रशासन थोड़ा सा ढीला है, वो भी उस साइड का जो है, उत्तराखंड में हमारा बैग चोरी हुआ जी जी, उसमें फोन भी हमारा गया, कपड़े वगैरह सब ले गए। ओवरऑल ठीक है, बाकी ओके बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया है। अभी तो कुछ इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि अभी कावड़ बहुत धीरे धीरे चल रही है जी जी। हमारे यहाँ का क्या होता है, इस एरिया का जो होता है, ये 10 तारीख के बाद ही चलता है जो कुछ चलता है मेन। ठीक है, फिर मतलब हम तो बहुत जल्दी निकल रहे हैं इधर से, 7-8 तारीख के आसपास ही आएगा। बोले अभी जैसे जब जल चढ़ती है, कावड़ चढ़ती है, तो उसमें क्या ऐसे कैसे चढ़ाया जाता है, इनको खोला जाता है? खोला जाएगा पूरा, ये पेशकश से पहले बजा के हथौड़ी से तब खोला जाएगा। अच्छा अच्छा, इसके खोलने के बाद चढ़ेगा ये। तो इनके ऊपर कैसे फिट कर रखी है एक दूसरे को? जैसे ये ऊपर जैसे नीचे से तो ये पट्टा खींचता है, ठीक है, और उसके बाद जो ये होता है एम सील, ये ढक्कन बिल्कुल सील्ड कर देती है। ठीक है, एम सील लगाते हैं। अच्छा कभी यार ऐसे भी होता है, कई बार मतलब ढीले रह जाते हैं, कावड़े गिर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है कभी? देखा आपने कभी गिर जाती है? हाँ मतलब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई खुल गया, जैसे पट्टा ढीला बंद गया, ऐसा हो जाता है कई बार?
अभी तक तो देखा नहीं। अच्छा अच्छा आपके साथ नहीं हुआ? नहीं हमारे साथ। ठीक, तो देख सकते हैं आप लगातार भाई कावड़िए हरिद्वार से कावड़ लेके आते हुए तो बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई और कावड़ भी है और बोले भी हैं, पूछेंगे इनसे कहाँ कहाँ से आए हैं। बम बम बोले कहाँ से बोले? पतड़ा है जी। अच्छा पतड़ा? हाँ पतड़ा। अच्छा जी आप कहाँ से बोले? पतड़ा जी पंजाब पटियाला जिला जी लोकल पतड़ा से। अच्छा पंजाब से हो? ठीक ठीक है। तो आपकी कौन सी कावड़ है जी? दुल्ला कावड़। लेकिन मतलब कौन सी है, पहली है दूसरी? इस तरह से तीसरी कावड़ है। इकट्ठा ही ग्रुप आता आपका हर बार? ठीक ठीक। तो अब की बार क्या कुछ मोल लग रहा है? पहले से भीड़ ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है। और कावड़ ज्यादा आने लग रही है कमाने लग रही है? कावड़ बहुत ज्यादा आने लग रही है जी। अच्छा अच्छा बहुत ज्यादा। तो मतलब की बार मोल है मतलब 10 गुना प्लस हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो और भी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिला जी, बहुत बहुत ज्यादा उछला पड़े है बिल्कुल। तो जैसे भाई अभी 165 लीटर जल वाली कावड़ लिया है तो क्या कहना चाहोगे भाई को? भाई के वास्ते जी हम धन्यवाद है भाई का, बहुत बहुत इसने हिम्मत करी है जी। और बोले ना इसका बहुत मतलब जो इसका मन की इच्छा पूरी हो चुकी है जी। जी बिल्कुल, सब बोलो के मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए। देखो जी बहुत हिम्मत करनी पड़ा, कहना ही आसान होता है। तो भाई जितनी लोकल पब्लिक है सपोर्ट करा करो, हिम्मत दिया करो भाई जितना भी है। और जो अपने बीच में शिविर उनकी भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे अभी एक बोला हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफी अच्छा लगे आप देख के। मतलब बोले ने देखो इतनी हिम्मत करी है 165 लीटर जल, तो और बोले हैं जो उनको हिम्मत मिलेगी। हमारा काम है कि भाई मोटिवेट करने का सभी को, ताकि बोले और सेहत का भी ध्यान रखे भाई टाइम टाइम पर, जो भी अपना है फल फ्रूट भी लेते रहे। आपका बोला बाबा चल नस नस में मेरी गाड़ी में मेरी या बांगदरी। तो अभी कलश कावड़ लेके आने लग रहे हैं भाई, मतलब हर क्षेत्र से, चाहे बात करें हरियाणा की, यूपी, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, दूर दूर से जो कावड़ी आने लग रहे हैं। और अब की बार मतलब पहले से भी ज्यादा क्रेज है कावड़ का। तो इनसे पूछेंगे कहाँ कहाँ से हैं। बम बम बोले कहाँ से हो? बोले बोले हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से, ये बात भाई हिमाचल वाले मिलके बंदा दे भाई, हिमाचल वाले ने मेरे गाना तोड़ रखा है। हाँ जी कहाँ से हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ वाले ने भी भाई रकाबा तोड़ रखे है भाई, क्या बात है भाई। हाँ जी भाई जी चंडीगढ़। चंडीगढ़ से ये तो सारे बोले भाई चंडीगढ़ से है। और ये हिमाचल से आप जी? हिमाचल से। वाह जी वाह। तो कौन सी कावड़ आपकी? कलश कावड़ नहीं, कौन सी है? पहली दूसरी ऐसे? पहली कावड़ है। तो कहाँ से इंस्पायर हुए आपकी बार कावड़ लाने के लिए? वीडियो देखी कोई या घर वालों ने कहा? ना ना घर वाले ऐसे यार। अच्छा यार दोस्तों के साथ है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, अब की बार कावड़ लेके आए हैं बोले। तो ये कलश कावड़ देख सकते हैं आप। तो अब की बार भगत जनो आप देख सकते हो भाई कावड़ का पूरा क्रेज चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब पहले से कई गुना ज्यादा मात्रा में कावड़ लेने के लिए भगत जन आ रहे हैं। और अभी तो 7-8 तारीख है भाई, आ गए क्रेज कई गुना हो जाएगा। मतलब पिछली बार से बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इस रोड पे लबालब भीड़ है और दूर दराज के क्षेत्रों से, यानी पूरा नॉर्थ इंडिया एरिया भाई कावड़ लेने का, मतलब फुल पहले से भी ज़्यादा बवाल हो रहा है अब की बार। बम बम बोले, ये देखिए तपती धूप में भी कावड़ी आ रहे हैं भाई, क्या बात है।